आज हम जो है ट्रांसफर फिनोमेना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का अध्ययन करेंगे। उसके लिए स्पेस में एक एलिमेंट ऐसा है, वॉल्यूम मानते हैं जिसका डायमेंशन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। इसके अंदर ये स्पेस में एलिमेंट है, इसके अंदर से होकर स्पेस में कोई भी एलिमेंट माना तो उसके अंदर से तरल हमेशा वायु है उपस्थित, तो वो जो है प्रवाहित हो रही कहां कहां से, तीन फेज से अंदर होगी, दूसरे तीन फेज से बाहर जो हो, तो जैसे इस फेज में हम कर सकते हैं जो छायांक की थ्रस्ट है उन पर अगर करें एच टी रो गुणा वेलोसिटी का एक्स एंड एक्स और यहां से बाहर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इकाई क्षेत्रफल से होकर जो है मास रेट ऑफ मास है, मास प्लस अगर पूरा जैसे रेट ऑफ मास इन और आउट निकालेंगे तो ये चीज किससे बना होगा, क्षेत्रफल से। माना घनत्व में डेल्टा टी समय में परिवर्तन आता है,
चेंज ऑफ मास मिल जाएगी माना।
क्या चीज आई, डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी बराबर रो बी एक्स एट एक्स माइनस रो जी वाई एक्स एट एक्स डेल्टा एक्स प्लस रो बी. यहां पर नीचे क्या बचा, आगे वाली लाइन एक वाई माइनस रो बी वाई एट वाई प्लस डेल्टा वाई. यहां पर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा जेड कैंसिल हो गया, नीचे डेल्टा वाई बच गया, बच गया हो प्लस तीसरी टर्म में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, डेल्टा जेड कैंसिल हो गया और ऊपर माइनस रो बी जेड जेड प्लस डेल्टा जेड. ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर. अब जो है क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं सर ये समीकरण इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है. अगर जो है उसको वेक्टर का यूज करें तो इसको लिख सकते हैं आगे हम जो है कंडीशन मान ले, जैसे एसएमपीड हो तरल एसएमपीड हो इनकम्प्रेसिबल हो इनकम्प्रेसिबल तो बोलते हैं वहां घनत्व कांस्टेंट रहेगा और ये डेल्टा वाली स्थिति में ये क्या होगा जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट रो है तो जो है अवकलन जीरो होता है उसका वाली से जीरो हो गई इधर जो है बराबर में ये बाहर ले सकते हैं. इस रो को लेफ्ट हैंड साइड लाइक जीरो के बाद जीरो हो जाएगा इस माइनस ये भी जो है प्रूव करने को आ जाता है कभी कभी सिद्ध के लिए जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल्टा डॉट वी होती है. समझ में आया? हाँ सर.